Good morning, all of you. Geometry in complex plane. Geometry in complex plane. Straight line. Straight line. तुझे ऐसा तो नहीं लगता कभी कभी मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है क्या? हाँ ठीक है, थैंक यू. इतनी बुरी हालत तो नहीं है मतलब, है ना? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. हाँ लिखना है. जॉइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू. ए जेड वन और बी जेड टू को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी. सुनो भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इस तरीके से लिखी जाती है. अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आर इज इक्वल टू जीरो. जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसमें लिखते थे? अरे ये वेक्टर 3D नहीं है रे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये 2D है, 2D कॉम्प्लेक्स है ना, वेक्टर 3D है, ये 2D है, 2D में ही काम करते. तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जनरल इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन लिखते थे, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू जीरो, है ना. यहाँ पे होती है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, वेयर अल्फा, ये अल्फा लिखा है ठीक, वेयर अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एंड आर इज अ रियल नंबर. ये जो आर है ये एक रियल नंबर है और अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. शुरू करें? चलो, इस इक्वेशन को लाने के लिए मेरे पास तीन रास्ते थे. एक 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है. मेथड वन टू गेट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हम मान रहे हैं कि शायद ए जेड वन बी जेड टू से पास होती है. दो पॉइंट तो दिए जाएंगे ना भाई साहब लाइन बनाने के लिए. मेथड वन सुनो, इन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू जीरो. कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है. जहां पे X को, सुनो, अगर Z को X प्लस आयोटा Y माना जाए, X कॉमा Y इज अ रैंडम पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके करेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज X प्लस आयोटा Y, तो X को क्या लिख सकता हूं प्लीज? जेड माइनस आयोटा वाई. देखो गवार लो. मतलब इससे भीषण गवार दुनिया में कैसे मिलेंगे बेटा? एक्स की वैल्यू क्या हुई? जेड माइनस आयोटा वाई. अरे भाई साहब गधेड़े साले, कॉम्प्लेक्स नंबर के आखिरी चरण में ऐसी बेवकूफी भरी आवाज है. जेड प्लस जेड बार बाय टू. अच्छा वाई को क्या लिख सकते हैं? आवाज नहीं आ रही. जेड माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा, वेरी गुड. प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सही है. अच्छा इस आयोटा को अगर ऊपर शिफ्ट किया जाए तो क्या होता है? आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये माइनस आयोटा बन जाता है. एक्चुअली आयोटा को अगर ऊपर शिफ्ट किया जाए तो ये बन जाता है माइनस आयोटा, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया. तो ए टाइम्स जेड प्लस जेड बार माइनस बी टाइम्स जेड माइनस जेड बार आयोटा भी है ना.
प्लस 2c इज इक्वल टू जीरो. थोड़ा सा कुछ 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 किया तो ये बन गया a माइनस b आयोटा प्लस, लिख लो चलो इसे, z बार प्लस a माइनस b आयोटा z प्लस r इज इक्वल टू जीरो. सपोज यदि इसे अल्फा बोलता हूं तो ये क्या है? अल्फा बार. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो आ गई. अरे ये रही, बन गई क्या? चलिए एक मेथड, मेथड टू. यदि मुझे ए जेड वन बी जेड टू से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, इस हाथ में लिखते रहे, उसमें मैंने कोई क्रांतिकारी चीज तो समझाई नहीं जिसे आप समझ रहे हो. ए जेड वन बी जेड टू, जेड वन के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स वन को वाई वन, जेड टू के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स टू को वाई टू. इस पे एक पंजाब पॉइंट और ले लेते हैं भाई साहब, और इस पंजाब पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स कॉमा वाई. टू डी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी होती थी, तरीका बताओ, स्लोप निकाल के, और दूसरा बड़े लोगों का तरीका बताओ थोड़ा. वो सही है फिर भी. अरे भाई क्या कर रहे हो यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी शुड बी जीरो, तो ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर होंगे तो पी का लोकस, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई, ये है भाई सब. ठीक है लो जी, अब सी टू गोज टू आयोटा टाइम सी टू, कॉलम टू जो है इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, कर सकता हूँ, सामने जीरो है, अरे सामने जीरो है भाई, तो इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दूं. चलो अब C2 टू गोज टू सी टू प्लस सी वन, जल्दी C2 टू गोज टू सी टू प्लस सी वन, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, ये क्या बन गया z, ये z1, ये z2, कुछ समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया बात है, कॉलम टू बन गया z, z1, z2, 1, 1, 1 इज इक्वल टू जीरो. अच्छा x की जगह क्या लिख सकता हूं? z प्लस z बार बाय टू, z प्लस z बार बाय टू, z1 प्लस z1 बार बाय टू, z2 प्लस z2 बार बाय टू. ये हाफ कॉमन ले सकते हैं, हाफ कॉमन लेने का भूल जाओगे कि सामने जीरो है. अच्छा फिर देखो वापस, c1 वन गोज टू सी वन माइनस सी टू, अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो z गायब, z1 गायब, z2 गायब, कुछ समझ आया? मेरे हिसाब से तो मैं यहां पहुंच चुका हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको शायद इतनी बात तो समझ में आई होगी, बहुत बड़ा काम तो नहीं करा, नॉर्मल सी बात है. दिक्कत है अम्मा? ठीक है, अब खोलेंगे इसे, अभी इसे खोलेंगे तभी तो फॉर्मेट बनेगी भाई. जेड बार जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार प्लस वन जेड वन बार इंटू जेड टू माइनस जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू जीरो. थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज है, अब यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पहले टोक दो, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं. अभी तक वैसे मैंने कोई झंडे गाड़े नहीं है, नॉर्मल से काम किया है वैसे, बता दो. लेकिन फिर भी अगर किसी की सांस अटक गई हो भाई, हम तो मर गए सनम. सही है सब, नॉर्मल. ठीक है तो लो भाई ये आ गया है ना, इसकी फॉर्मेट थोड़ी थोड़ी, मैं आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली,
थोड़ी थोड़ी इसकी जैसी लग रही थी, कुछ तो जेड बार के साथ आया जो कॉम्प्लेक्स है ना, कुछ जेड के साथ आया जो कि उसका शायद कॉन्जुगेट जैसा हो सकता है, इट्स नॉट कंप्लीट कॉन्जुगेट क्योंकि हम माइनस है, ध्यान दो, प्लस होता तो ये एग्जैक्ट वही फॉर्मेट होती, अभी ये एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, अभी हम थोड़ा आसपास हैं, कुछ तो चमक रहा होगा, ऐसे बिल्कुल ही बम्पर सन्नाटा लग रहा है क्या, थोड़ा बहुत तो ऐसे मिलता जुलता सा रूप लग रहा होगा ना, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली इस जगह ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो सुनो, कुछ माइनस कुछ का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट है ये काम किया अपन ने पहले है, कुछ माइनस कुछ का कॉन्जुगेट क्या होता है, टू आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कुछ, टू आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कुछ शुड बी प्योरली इमेजिनरी, शुड बी प्योरली, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये इस समय प्योरली इमेजिनरी है, जबकि मेरे स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन जो लिखी थी उसमें आर शुड बी अ रियल नंबर। एक प्योरली इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर बनाने का सबसे अच्छा तरीका मल्टीप्लाई विद आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लोग को बुरा तो मानेंगे नहीं, सामने जीरो है। ये एक्चुअली क्या, ये नाराज इसलिए हुआ कि पहले तुमने ऐसी फोकट में आयोटा ले आए थे ऐसी मांग के कहीं से, व्हाट इज दिस, ये होना ही था एक्चुअली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दिस हैड टू हैपन। अबे यहाँ तुमने देखो ये आयोटा मांगा था तो बदला तो लेगा ना भाई साहब, तो वापस छीन रहा है वो आयोटा, दोबारा आयोटा से मल्टीप्लाई करवा के, तो हमने दोबारा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सामने जीरो में तो मजाक कर रहा था। जेड बार इंटू आयोटा इंटू जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड आयोटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार प्लस आयोटा टाइम्स जेड वन जेड जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू जीरो। अब समय आ गया लेटने का, लेटो भाई, लेट अल्फा इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स जेड वन माइनस जेड टू। सुनो ध्यान से, इस क्वांटिटी को मैंने माना अल्फा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा आयोटा का कॉन्जुगेट ये देखो माइनस आयोटा, इन जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट जेड वन बार माइनस जेड टू बार, सही है, इसका कॉन्जुगेट तो लिखा हुआ है, अरे माइनस भी चला गया यार, तो ये प्लस हो जाएगा अल्फा बार में, सही बात है, अच्छा प्लस, और ये वाली जो क्वांटिटी है इसे मान लिया गया आर विच इज अ प्योरली रियल नंबर। तो ये जो फॉर्मेट बनी ये फिर से मेरी किसकी फॉर्मेट बन गई, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म बन गई। लोग बहुत नाखुश थे, होते भी हैं कई बार लोग नाखुश कि सर ये तो गलत बात है, सर क्यों नहीं बताएंगे, बस नाखुश है कि सर ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है भाई, क्या गलत बात है, जल्दी बोला करो यार फटाफट से, नहीं बता रहे साला, कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हो, कॉम्प्लेक्स की तरीके से तो तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लाए नहीं हो और कायरों की तरह करे जा रहे हो, एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से बना दिया तुमने, और एक तुमने उसी के ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से बना दिया है ना, लेकिन काम किए देखो दोनों, एक तो अपने जनरल इक्वेशन बना ली स्ट्रेट लाइन की, इस फॉर्मेट में तो दिखती है अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ये तो इसकी फॉर्मेट है, और जेड वन जेड टू से अगर बनने वाली इक्वेशन चाहिए तो वो इस तरह की बनेगी, फॉर्मेट वही है अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अल्फा और अल्फा बार की वैल्यू मिल गई ना जेड वन जेड टू की टर्म, कल को अगर जेड वन जेड टू दिए जाएंगे तो लाइन की इक्वेशन तो लिख सकते हैं कम से कम, सही है, ठीक है। लोगों ने बोला कि नहीं हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव करके बताओ, तो सोचा कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज भी जा सकता था क्योंकि आप इतने निपुण हैं, वैसे देखो आगरा जेड वन बॉम्बे जेड टू और इसी पे एक पंजाब जेड ले लिया, क्या बोलते हो एपी वेक्टर और बीपी वेक्टर के आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या होगा, एपी वेक्टर और बीपी वेक्टर के आर्गुमेंट का डिफरेंस है, एपी वेक्टर बीपी वेक्टर का क्या बोल रहे हो, जीरो,
आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लिख सकता हूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एपी वेक्टर, एपी वेक्टर बोलना भाई, जेड माइनस जेड वन, बहुत बढ़िया, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बीपी जेड माइनस इज इक्वल टू जीरो बोल रहे हो आप, सही है। मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कर रहा हूं, जीरो और पाई, जीरो और पाई, ध्यान सुनना मेरी बात एकदम, पाई तो कब आएगा और जीरो कब आएगा, बिल्कुल सही। ऐसा केस नहीं हो सकता, अरे यार हो सकता है कि नहीं हो सकता यार। एक्चुअली में हम लोग जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते थे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे दो पॉइंट दिए हैं, मुझे उससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यूज करके और एक लाइन की एक पॉइंट का यूज करके उस लाइन की इक्वेशन लिख लिया करता था। लोग बड़े हुए, लोगों को लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वेशन की जरूरत पड़ी, हालांकि ये बहुत ही नॉनसेंसिकल बात है, इक्वेशन कर्व की होती है, लाइन की होती है, एक सीमित सेक्शन की नहीं होती। बट इफ समवन आस्क कि ज्योमेट्रिकली मुझे सिर्फ एक ऐसा रिश्ता दीजिए जो सिर्फ ए बी लाइन सेगमेंट दे, पता नहीं मास्टर तो क्या बात बोल रहा है, गेल से पिटाई लग रही है मुझे। अगर मेरे से कोई ज्योमेट्रिकली सिर्फ ए बी लाइन सेगमेंट का ही रिश्ता पूछता है कि भाई साहब इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है तू, तो ऐसा रिश्ता दे मेरे को, तो मैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एलिजिबल नहीं हूं रिश्ता देने के। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो मेरा पूरा ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है भाई साहब, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 अगर कोई लाइन आई है तो वो पूरी आई है, ठीक है। अब आप उसमें जबरदस्ती x बिलोंग्स टू दिस y बिलोंग्स टू दिस लगा के करोगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव अ प्रिविलेज टू डिफाइन ओनली लाइन सेगमेंट AB, ये प्रिविलेज है मेरे पास, ठीक है। किस तरीके से, ये देखो, ये रहा एक देने का तरीका है बस और कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन को कौन सा वेक्टर बोल रहे थे आप लोग, एपी, यानी कि ये वाला, जेड माइनस जेड टू कौन सा वेक्टर बोल रहे हो भाई, देखो जितने लोग बोलोगे उतने लोग सीखोगे भाई, बीपी ये वाला, कहेंगे इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, पाई है भाई, इसके बीच में एंगल पाई होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पाई हो, तो अगर मैं सिर्फ दिस इज माइनस दिस इज इक्वल टू पाई लिखता हूं तो जो जेड है वो ए बी के बीच में, जीरो और पाई लिखता हूं तो पूरा पी है, जीरो लिखता हूं तो बाहर है, यानी कि ए बी के सेम साइड है, ऐसे कह सकते हो आप, या P lies on the same side of, नहीं कैसे बोलोगे, AB lies on the same side of P, AB lies on the same side of B, P divides AB externally, बहुत सारे तरीके बोलने के, P divides AB externally, in this case P divides AB internally, जब पाई है तो, ये सोचने वाली चीजें हैं, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यहां मेरे पास कोई प्रॉपर्टी के लगाने के लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू जीरो और पाई के केस में तो बनेगी पूरी लाइन, ठीक है। अच्छा अब सुनो एक चीज और, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट जीरो या फिर पाई, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो या पाई है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली प्योरली। अब यहां फर्क पड़ जाता है, यहां जो मजे लेने वाला आदमी है, देखो क्वेश्चन अगर उसने कॉन्सेप्ट बनाया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होते हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑब्जर्व करने वाले लोगों को ही दिखते हैं, जो रट के जाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है भाई साहब, इसका क्वेश्चन पूछने बहुत मुश्किल है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछने बहुत मुश्किल, वो तो सब रट के गए ना। अब पूछने वाली चीज में उसने पूछ लिया, देखो सुनो, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, मैं सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ आपसे, इज पॉजिटिव रियल, ढेंचू मत करना, सिर्फ हाथ खड़े करना, मान लो ये एक पॉजिटिव रियल है, सपोज सिंपल सा क्वेश्चन है, जेड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जेड वन जेड टू इंटरनली और एक्सटर्नली, ये एक क्वेश्चन है,
ये एक पॉजिटिव रियल है और ये पूछा गया है कि जेड नाम का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जेड वन जेड टू को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। कितने लोग अपने आप को एलिजिबल मान रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? जो लोग मन में ही सोच रहे हैं साले तूने पढ़ाया तो यानी पूछ रहा है, तो वो तो निश्चिंत रहो पढ़ा दिया। कैसे? वनिश टू माइनस वन मतलब? ये सस्ती बात कर भाई, हम गरीब लोग हैं, हमारे लेवल पे आके बात कर। ही जोगिंग ना अल्टीमेटली सर, डोंट जोक विद अस, दिस इज वेरी अनफेयर। क्या कर रहे हैं भाई, अभी तो समझाया इसका आर्गुमेंट जीरो होगा तो ये पॉजिटिव रियल होगा, तो ये पॉजिटिव रियल है तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट जीरो है, तो अगर इसका आर्गुमेंट जीरो है तो इसका मतलब पी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। आर क्या कर रहे हो भाई, अभी तो पूरी ड्रामा यहीं तो लिखा हुआ है, और अगर ये नेगेटिव रियल दिया होगा तो इंटरनल डिवाइड करेगा, तो पाई हो गया आर्ग्यूमेंट। ये सब चीज तभी आसान लगती है जब ऐसे दिल पे हाथ रखे, ऐसे आसान है आसान है आसान है। क्या होगा ना कभी नहीं देखा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, आल आल सॉरी आल इज वेल। करना पड़ता है भाई साहब बार बार, मेरी भी तो धड़कने फटी रहती है। हाँ कर क्या रहे थे हम? अच्छा ये रियल है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली क्या हुआ ये रियल, चाहे जीरो चाहे पाई हो, इन बोथ द केसेस दे आर रियल। तो अगर ये रियल है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल होता है जनता, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल होता है वो और उसका कॉन्जुगेट क्या होते हैं, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी कि दिस वुड बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू जेड बार माइनस जेड वन बार अपॉन जेड बार माइनस जेड टू बार। हालांकि एक बार तो मुझे कॉन्जुगेट पूरे पे लगाना चाहिए था, बट सिंस कॉन्जुगेट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन, तो उसका यूज करके मैंने इनको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसके बाद? बोला करो कुछ कुछ भी बोलते रहा करो बकवास वकवास जो भी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी तो विश्वास रास्ता गेम है, ये तो बनेगा ही, वरना टीचर मस्ताने तो आया नहीं होगा, यही बनेगा भाई। फिर से हाँ 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 जीरो यस, कोलिनियर की कंडीशन लगाई कुल मिला के, ऐसे वो सस्ते में बोल लेते ना, तुम इतने महंगे शब्दों क्यों इस्तेमाल करते हो, हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाई है अल्टीमेटली, सच बात तो ये। और यहाँ भी हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन ही लगाई थी, तो रिश्ता तो सेम आना ही था। ठीक है हाँ, लेकिन सुनो एक चीज जरूर बताऊंगा, क्या इस तक मैं जल्दी पहुंच सकता था, या मैं यूं कहूं कि इस तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक तरीका और था इस रिश्ते तक पहुंचने के लिए। सुनना एक मिनट, एपी कैब शून, एपी कैब कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग बीपी कैब बाय एन एंगल जीरो और पाई, जीरो इन दिस केस पाई इन दिस केस। हैं? इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वॉट एवर यू फील लाइक आई डोंट केयर, इन बोथ द केस विल गेट सेम रिजल्ट यार, सही है, क्योंकि साइन वाला तो जीरो हो गया। ठीक है, और कॉस में फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो दो कि मतलब प्लस पाई दो कि माइनस पाई दो, बिल्कुल सच में विद्या का कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक, तो इसका मतलब सुनो, एपी कैप बोलेगा या कोई एपी कैप जल्दी से, लेकिन जेड माइनस जेड वन अपॉन मॉड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू
z minus z2 upon mod z minus z2 into e raised to the power iota 0 या फिर e raised to power iota pi plus minus कुछ भी, I don't know, ठीक है। एक केस में ये प्लस वन होगा, एक केस में ये माइनस वन होगा। यही चीज मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा था, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाली, कि पॉजिटिव रियल और नेगेटिव रियल, ठीक है। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस वन हो चाहे माइनस वन हो, क्योंकि मैं इसके बाद इसका स्क्वायर करूंगा। ध्यान सुनना मेरी बात, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, एक आध स्टेप खा रहा हूँ, सारी स्टेप लिख के तो मैं नहीं बताता, ऊपर क्या बनेगा, जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर नॉर्मल, नीचे मॉड जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर z माइनस जेड वन इंटू जेड बार माइनस जेड वन बार। कुछ बजने की आवाज आई, कौन बजा, z माइनस जेड वन बजा, बार कैसे बज गया, बार तो है ही नहीं मार्केट में, z माइनस जेड वन बजा ऊपर से, तो बचेगा z माइनस जेड वन अपॉन उसका कॉन्जुगेट, z माइनस जेड वन अपॉन उसका कॉन्जुगेट, सेम रिश्ता आपको मिल गया। इधर भी तो स्क्वायर करोगे, एक ही साइड थोड़ी करोगे भाई, इधर ही वही चीज मिलेगी, समझ गए। तो कुल मिला के जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो सब चीजें हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लगा ली और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले आए अलग अलग तरीकों से। अब इसमें जो पहले पूछी जा चुकी है चीजें, जेई 97 पेश करते हैं, ये उन दिनों की बात है जब क्वेश्चन नहीं छोड़ने के लिए बनते थे, तो पुरानी बात, पेपर छोड़ने के लिए बनता किस 99 था, किस 99 था, व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट सॉरी।